केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन को सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए प्रशासन तैयारियां कर रहा है। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहलवार ने अगस्त मुनि क्रीड़ा भवन में बनाए जाने वाले स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया है और इसके साथ ही ईवीएम काउंटिंग हॉल और जहां स्कैनिंग जांच होगी उसका भी जायजा लिया गया। इसके अलावा पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, उनकी तैयारियों को भी परखा गया। उन्होंने बताया कि मीडिया और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए ईवीएम काउंटिंग हॉल और ईवीएम मशीनों के डिस्प्ले को नियत स्थान पर रखे जाने के लिए भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। चुनाव में बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत ही विस्तृत गाइडलाइंस है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जैसे कि दो दिन पहले जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था हमारे SST पॉइंट्स गए जो गए, फिर इसमें हमें लगभग आज तक CAPF जो सेंट्रल आर्म फोर्स है उनकी भी हमें उपलब्धता कराई गई है और जल्दी आपको उनके द्वारा फ्लैग मार्च और मार्चेस दिखेगी। जो व्यवस्था इस कार्यक्रम स्थल पर बेसिकली जो हमारे मेन स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर पर रहेगी वो एज पर गाइडलाइंस 3-लेयर्ड सुरक्षा रहेगी। और लगभग जो लास्ट टाइम का अंदेजा है उस पर लगभग 900 से 1000 के आसपास जो फोर्स है, टोटल फोर्स हमारी होमगार्ड से लेके CAPF से लेके स्थानीय पुलिस तथा उत्तराखंड पुलिस के अन्य जनपद की 900 से 1000 के बीच में पुलिस डिप्लॉय हो जाएगी। नामांकन पत्र की प्रक्रिया 22 तारीख से स्टार्ट हो गई है, 22 से 29 तक चलेगा और अभी तक जो है 5 नामांकन पत्र ले गए हैं विभिन्न अभ्यर्थी, लेकिन अभी तक कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ है और अभी 2 दिन छुट्टियां भी पड़ रही हैं तो देखते हैं कब तक लोग जो है दाखिल करते हैं। इसका जो था वो स्ट्रांग रूम के और हमारा जो काउंटिंग हॉल रहेगा उसके संबंध में आज निरीक्षण किया गया, क्योंकि इसके संबंध में हमें माननीय आयोग से निर्देश भी हैं कि इसका एक पूरा प्रोफॉर्मा हमें प्लॉट बना करके हमें भेजना होता है, इस पर अप्रूवल के अनुसार ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो संबंध में जो हमारे EVM की जो स्ट्रांग रूम रहेगा उसका आज देखा गया और साथ ही साथ में जो EVM का काउंटिंग हॉल रहेगा, साथ में ETPBS जहाँ स्कैनिंग होगी और जहाँ पे पोस्टल बैलेट काउंट होंगे उन सब के लिए भी तैयारियाँ आज की गई हैं। साथ ही साथ में जो हमारे आपके EVM में जब काउंटिंग हो रही होगी या हमारी जब स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी रहेंगी उसका भी जो डिस्प्ले है वो कहाँ पे रहेगा जहाँ पे हमारे जो मीडिया बंधु हैं वो देख सकें या हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जब तक वो मशीन स्ट्रांग रूम में रखी है उसका निरीक्षण कर सकें।